वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम मैथमेटिक्स में मेन सॉल्यूशन 2D का टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें हमने अभी तक पढ़ा था वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। आज हम कुछ वर्ग और वृत्त से रिलेटेड कुछ प्रश्न इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। देखो, चित्र को देखकर वर्गाकार लोन तथा फूलों की वृत्ताकार क्यारियाँ हैं, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब कुल मिलाकर इस चित्र का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो हम कैसे करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो इसमें आपको पता है ये वर्गाकार मैदान है, ये वर्ग है। तो इसमें एक भुजा दे रखी है 56 मीटर। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो ये निकालेंगे अपन भुजा स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड कितनी है 56, और 56 के स्क्वायर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कितना होता है, बताओ 31 36 होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर इसका क्या जाएगा, ये वर्गाकार मैदान ABCD का क्या जाएगा, क्षेत्रफल। बात आगे समझ में, ये आपको बताओ क्या दे रखा है नीचे, ये वृत्तखंड है कि नहीं, ये बताओ। ये जो क्यारी है ना, ऊपर भी ये वृत्तखंड है और ये नीचे वृत्तखंड है। तो इस बिंदु को आप AO मान सकते हो, और अगर आपको ये वृत्तखंड पता लग जाए यहाँ से इस तरीके से, ये वृत्तखंड का ये त्रिज्य खंड में से ये वृत्तखंड निकल जाएगा जब ये त्रिभुज घट जाएगा। अब त्रिभुज का पता है आपको, ये कितना डिग्री है बताओ, ये कितना डिग्री है आप बता सकते हैं, ये 90 90 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से, और आपको त्रिज्य पता है यहाँ पर आर नहीं पता ना, लेकिन आपको पता है वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है 56 है। तो बताओ आप इस 56 को देखते हुए इसकी त्रिज्य निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखो क्या कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर किसमें, ट्रंगल DOC में। तो देखो ट्रंगल DOC में क्या कर सकते हैं, देखो एक बार, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो आधार कितना है बताओ, ये आधार भी आर है तो आर का स्क्वायर, और लंब आर है तो इसका भी आर का स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर कितना है 56 का स्क्वायर है कि नहीं बताओ, ये एक आर स्क्वायर और एक आर स्क्वायर कितने जाएंगे 2R² और 56 को अपन 56 × 56 लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 से इसको काट दो 28 पर कट जाएगा, 56 × 28 क्या जाएगा बताओ, ये आ जाएगा क्या R² आ जाएगा। बात आ गई समझ में, नहीं आई यहाँ तक। अब क्या करेंगे अपन, अब आपको पता है कि त्रिज्य खंड क्या है इसमें, त्रिज्य खंड अगर अपन वृत्त खंड निकालें, मान लो क्या निकालें, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, देखो वृत्त खंड वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे बताओ। तो देखो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ODC का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड क्या होता है, π r² θ/360, और त्रिभुज का क्या होता है 1/2 r² sin θ, यही होता है ना, थीटा की वैल्यू में यहीं पर रख रहा हूँ sin 60, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी बताओ, आर स्क्वायर की वैल्यू अपन डायरेक्ट यहाँ से रख सकते हैं ना 56 × 28, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60/360 माइनस 1/2, आर की स्क्वायर की वैल्यू फिर से रख सकते हैं कितनी है 56 × 28, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट सॉरी 90 है ना, sin 90 की वैल्यू कितनी है 1, 2 से काट दो 28 पर कटेगा, 28 के स्क्वायर कितना होता है बताओ 784 होता है ना, 28 के स्क्वायर डायरेक्ट रख दिया ना अपन ने भाई, 28 × 28 28 के स्क्वायर बन गया ना, और इससे इसको काटो 6 × 36 7 × 36 और देखो कैसे करेंगे अपन, यहाँ पर क्या है 7 × 28 यह जाएगा इधर, और 2 × 3 6 2 × 4 1 2 8 16 कितना आ गए, ये आ गए 28।
और किसी से कट सकता है कि बतावे, और यहाँ से कट सकता है कि नहीं कट सकता बताओ। देखो इसको काट लो, 22 चौक 88, 88 × 28 ठीक है। एक मिनट, गलती कर दी अपन ने यहाँ पर, ये गलती क्या की है, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 56 × 28, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है ना, यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी अपन ने, है ना, माइनस है ना, 0 0 कट जाएगा, 9 × 36, 7 × 28 इससे कट जाएगा, 22 × 6 = 132 का 2 हासिल 13, 22 × 5 = 110 और 13 123, ये 1232 जाएगा, और 784, 12 में 4 गए 8, 12 में 6 गए 4 और 11 में 7 गए 4, 448 आ गए। अब दो का है ना, दो इसमें क्या है वृत्तखंड है, एक नीचे वृत्तखंड है और एक, तो दो का निकाल लो, तो कितना जाएगा ये 896 वर्ग मीटर, इसका क्या है ये, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आंसर है ये, ठीक है। तो ये दो वृत्तखंडों को आ गया, समझ में आ रही नहीं मेरी बात, तो कुल क्षेत्रफल पूछा है इसमें, देखो टोटल कुल क्षेत्रफल क्या जाएगा बताओ, कुल क्षेत्रफल किस किस का, वर्ग का कितना है 31 36, और यह आ जाएगा कितना 896, यह आ जाएगा 4000 6 8 6 12 का 2, 4000 3 12 13 का 3 और 10 का 0 4, 4032 वर्ग मीटर इसका क्या है कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। बात आई गई होगी समझ में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चित्र दे रखा है आपको, चित्र को देखकर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का क्या है एक वर्ग है। तो सबसे पहले वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्गाकार एक मैदान ले लो, कुछ भी ले लो चाहे, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। और भुजा कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर, पहली बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या है, आपको क्या दे रखा है कि ये वृत्त जो है, मान लो कि ये वृत्त की क्या है, देखो ऐसे एक बार, ये वृत्त की दो परिधि है, मतलब कहने का मतलब यहाँ से, तो इसकी जो ये 14 है यहाँ पर कितना है बताइए, यहाँ से यहाँ तक पूरा 14 है ना, तो ये 3.5 3.5 3.5 और इधर से भी 3.5, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई बताओ, इसमें एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या यहाँ से आ गई कितनी, आर आ गई 3.5 सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 3.5 × 3.5, पॉइंट हटाओ का कितना लगेगा 10 10 लग जाएगा, 7 × 5 35, 5 × 1 5, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2 11, 11 × 5 = 55 हासिल 5, 11 × 33 = 5 38 आ गई 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखना है आपको कि ऐसे इसमें कितने व्रत हैं, चार व्रत हैं, तो चार व्रतों का क्षेत्रफल 4 × 38.5, ठीक है, 4 × 5 = 20 का 0 2, 4 × 32 = 34 हासिल 3, 4 × 3 = 12 और 3 = 15, यह जाएगा 156.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग के लिए क्या करेंगे, वर्ग में से क्या घट जाएगा, वृत्त घट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 196 − 156, 6 में 4 गए 2 19 से 15 गए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, इसकी जो भुजा है वो कितनी देर के यहाँ से आता है 10 सेंटीमीटर। कितने रखिए 10 सेंटीमीटर। बात आ गई क्या समझ में? अब ये देखो, ये फर्स्ट वर्ग मान लो, इसको सेकंड अर्धवृत्त मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। बात आ गई समझ? आप बताओ कि एक अगर मान लो ये अर्धवृत्त है, क्या है अर्धवृत्त की जगह इसको भुजा को केंद्र मान लो, ये बोलो अर्धवृत्त है, ये इस तरीके से क्या है अर्धवृत्त। ठीक है, ये भी क्या है इस तरीके से अर्धवृत्त, ऐसे इस प्रकार नीचे। ठीक है ना, अब ये देखो आप, ये पहला अर्धवृत्त, ठीक है चाहे आप अपने नाम ले लो, देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड है। अगर इस पूरे अर्धवृत्त में से मान के चलना, देखो इस पूरे वर्ग में से अगर मैं ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त घट जाएगा, ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त, तो क्या बचेगा? ये हिस्सा और ये हिस्सा बच जाएगा या बचाएगा बताओ? बचाएगा। देखो विशेष आकृति का आपको नाम नहीं पता, कौन सी आकृति बन रही है, आसानी से निकल जाता है ना। देखो वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग के का क्षेत्रफल में से क्या घटा दो बताओ? दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त क्या होता है 1/2 और इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर दो अर्धवृत्तों को चाहिए तो दो से दो कट जाएगा, कट जाएगा, पाई का मान 3.14 और आर का मान कितना है 5×5। समझ रहे नहीं समझ रहे बताओ? और वन टाइम से 100 लगेगा, 2500 है ना, दो से काटो दो दो भी 4, 2×1=2, 1×2=10 और एक बचेगा 2×7=14 और इसको काटो 2×7=14 एक 2×8=16 और 2×5=10 कितना जाएगा बताओ? कितना जाएगा 78.5 जाएगा नहीं जाएगा बताओ? आ जाएगा ना, और 100 में 78.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21.5, कितना बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखो, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं ये बताओ? अगर मैं पूरे वर्ग के इस क्षेत्रफल में से ये हिस्सा और ये हिस्सा घटाऊंगा तो क्या बच जाएगा 3 और 4, ये हिस्सा बच जाएगा, ये वाला, ये वाला इस तरीके से बच जाएगा, सही है, बच रहा है कि नहीं बताओ? समझ में आ रही है बात? अब देखो तथा ये तो निकाला है मैंने, ये फर्स्ट और सेकंड का निकाला है, फर्स्ट वे सेकंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला है समझ में आ गया होगा आपको। आप ऐसे किसके निकाल सकते हैं तथा थर्ड वे फोर्थ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताओ? ऐसे निकाल देंगे, इसी प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, मतलब इसी प्रकार से अगली बार ये हिस्सा लगा है, ये हिस्सा और इसका निकालेंगे तो आप बताओ आपके बाद कौन सा बच जाएगा? ये फर्स्ट और सेकंड हिस्सा बच जाएगा, बच जाएगा। तो देखो कैसे निकाले, इसी प्रकार देख सकते हैं, इसी प्रकार से इतना आएगा इसका भी 21.5 सेंटीमीटर में डायरेक्ट लग जाए। ठीक है, आगे भी आगे बात सुनो, आगे अभी किसका निकला है? फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का निकला है, निकला बताओ? बात आ रही समझ में? जब मैंने इसका और इसका, अगर मैं इन दोनों अर्धवृत्तों को ले रहा हूँ, मान लो इन दोनों अर्धवृत्तों, तो ये हिस्सा का बिगड़ गया निकल गया बताओ? ये समझ गए ना? नहीं बैठी बात समझ में? ये जब हिस्सा ले रहा हूँ मैं, ये वाला और ये वाला, तो इस हिस्से का निकला या निकले बताओ? नहीं बैठी बात समझ में? तो देखो वर्ग के क्षेत्रफल में से इस पूरे क्षेत्रफल में से किसका घटा रहा हूँ? देखो
लिख सकते हैं 3/4 आपका तो अच्छे इतना मिलेगा, समझ आ गया। और जब मैं 3/4 का निकालूंगा तो 1 में किसका निकलेगा, 2 का, तो बात आई है, समझ नहीं आई। जब मैं निकाल रहा मान लो किसका 3/4 का, तो देखो इस हिस्सा बचना चाहिए, अब इसमें से क्या निकल रहा है, इस अर्धवृत्त का निकल गया, निकल गया बताओ अर्धवृत्त का, तो ये हिस्सा बच गया, निकल गया बताओ 3/4 नहीं बेटी बात, 3/4 का निकल रहा है ना। और जब मैं ये हिस्सा घटा रहा हूँ ये वाला और ये वाला, तो 1 और 2 का निकल रहा है, निकल रहा है बताओ, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रे फोर्थ का क्षेत्रफल कितना जाएगा बताओ, ये जाएगा कितना 21.5 + 21.5 कितना जाएगा बताओ, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल में से इसका निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, निकाल रखा है भुजा स्क्वायर माइनस इसको घटाएंगे 43 को, तो क्या जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, स्क्वायर कितना है भुजा 10 का स्क्वायर 100 और 43, 100 में से 43 घटाएंगे तो कितना जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, ये मैंने कैसे निकाला है, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चित्र दे रखा है, चित्र की सहायता से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PQ ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, इसका चित्र कैसे निकालेंगे देखते, सबसे पहले त्रिभुज QRP में दिया है, लिख लो एक बार, दिया क्या है PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और PR बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। देखो त्रिभुज QPR में, त्रिभुज QPR में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है 7 का स्क्वायर, लंब कितना है 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ देंगे 625, कर्ण कितना जाएगा अंडर रूट 625 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। अब जब ये कर्ण 25 आ गया तो ये क्या है यहाँ से आता है बताओ, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, मतलब आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, मतलब ये आर क्यू क्या है व्यास है, क्या है व्यास, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी बताओ, त्रिज्या आ जाएगी 25/2, ठीक है। तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अब छायांकित भाग का निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या निकालेंगे माइनस त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे। अब अर्धवृत्त का क्या होता है बताओ, अर्धवृत्त का क्या है 1/2 पाई आर माइनस त्रिभुज आर क्यू क्या है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई का मान कितना है 22/7 रख लो, आर की वैल्यू कितनी है 25/2 और 25/2 1/2 आधार कितना है बताओ, इसका आधार बताओ, का आधार 7 है ना और
ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई देखो कितनी है इसकी, हाइट 24 है कि नहीं, इसकी ऊंचाई ये वाली होगी या ये वाली होगी बताओ, ऊंचाई 24 होगी। ठीक है, तो हमने इसकी फिर ये जो ये आर क्यों निकाला, हमने व्यास क्यों निकाला, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ रही थी इसकी। ठीक है, तो देखो 2 से इसको काट दो, 11 और कटेगा 25 25, 625 इंटू 11 बटाना 7 दो 14, 7 दो 28। ठीक है, माइनस 2 से इसको काट दो, 12 में कटेगा 12 से 84। ठीक है, 11 5 55 का 5 हाँ सिर्फ 5, 11 2 22 5 27 का 7 हाँ सिर्फ 2, 11 6 66 और 2 68, 28 का डिवाइड करना है, 84 माइनस कर दो। ठीक है, अब इसको काटो 6875 में 28 से डिवाइड करो, 28 यानी क्या होता है 56 और ये 27, 28 चौक कितना होता है 112। कितना होता है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, एक आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई कितनी है बताओ, ऐसा आयताकार भूखंड है, लंबाई कितनी है 40 मीटर, चौड़ाई कितनी है 30 मीटर। ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो भूखंड का सबसे इजी प्रश्न है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रिथ, लेंथ कितनी है 40, ब्रिथ कितनी है 30, कितना जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या है एरिया है, नाम मान सकते हैं इसका ए बी सी डी, एग्जाम में करने हैं प्रश्न आपको, ये इसका क्या है विकर्ण कोई भी मान लो, और विकर्ण की लंबाई और चाहिए, तो डायगनल क्या होता है बताओ, अंडर रूट क्या होता है बताओ, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रिथ का स्क्वायर कितना होगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और कितना होगा 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900, कितना जाएगा 2500, तो डायगनल कितना जाएगा बताओ 50। आ गए समझ में, इसकी डायगनल की लंबाई कितनी जाएगी 50 मीटर आ जाएगी, क्लियर है, नोट कर लो इसको। सेकंड है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो आयत की का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे देखो, ये एक आयत है, ठीक है ए बी सी डी नाम दे सकते हैं इसका आप, आयत की लंबाई कितनी 15 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण कितना है बताओ 17 सेंटीमीटर, क्लियर है कि नहीं बताओ, यहाँ तक आपको क्या करना है आयत का क्षेत्रफल, अगर आपको ये मिल जाए तो आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताओ, देखो 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप, ठीक है 17 के स्क्वायर 289 15 के स्क्वायर 225 225 इधर को आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर में बी सी का स्क्वायर, 9 में से 5 गए 4 8 में से 2 गए 6 और यहाँ पर कितना बचेगा बताओ, देखो यहाँ से 9 में से 5 गए 4 28 बाईस गए 6 ही बचेंगे ना बी सी का स्क्वायर, रूट बी सी निकाल सकते हैं कितना जाएगा बी सी 8 आ गई, तो एरिया चाहिए, क्या चाहिए एरिया, कैसे जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 15 ब्रेथ कितनी है
बताओ 8, 15 120 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या जाएगा एरिया। क्लियर है ना, नोट कर लो इसको भी। देखो थर्ड क्वेश्चन, एक कमरा 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर इधर से कितना होगा। देखो एक कमरा है, कितना लंबा है 20 मीटर और चौड़ा कितना है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल कितना होगा, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है 20, चौड़ाई क्या है 15, 15 200 गुणा करो 30 और 0 आई पहले, 30 मीटर मीटर में है ना, मीटर लंबा चौड़ा। अब इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, इसके फर्श पर क्या चाहिए 60 सेंटीमीटर जो है किसकी चौड़ाई है, दरी की चौड़ाई है। ठीक है, तो दरी की चौड़ाई को किसमें बदल लो आप, दरी की चौड़ाई क्या है 60 सेंटीमीटर है, किस में बदलेंगे मीटर में, किसका भाग देंगे 100 का, 2 × 6 × 2 = 10, 3/5 मीटर। ठीक है, दरी की चौड़ाई कितनी आ गई 3/5 मीटर। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, ये क्या कह रहा है 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च ज्ञात करना है, इसमें किससे 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। ठीक है, दरी की चौड़ाई कितनी है 20 रुपये प्रति मीटर, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। अब दरी का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो सबसे पहले दरी का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, दरी का क्षेत्रफल और दरी की चौड़ाई कितनी बताओ, चौड़ाई 3/5, लंबाई पता है क्या आपको, नहीं पता ना, और क्षेत्रफल कितना है बताओ, दरी का जो क्षेत्रफल है बिछानी है ना, तो दरी का क्षेत्रफल कितना होगा 300, 3 से इसको गुणा कर दो कितना जाएगा 100, 100 × 500, दरी की लंबाई कितनी आ गई, आ गई 500 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ, हैं, दरी की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 500 मीटर और दरी बिछाने का खर्च कितना है, देखो 20 रुपये प्रति मीटर की दर है ना, कितना दे रखा है खर्च, कितना है 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से, मतलब 3/5 के हिसाब से लगाएं तो ये 500 मीटर लंबी दरी आ गई, तो 500 मीटर का खर्च लगा लो, कितने कितने से 20 रुपये से कितना जाएगा 10,000 रुपये जाएगा। ठीक है, कितना रुपये आ जाएगा 10,000 रुपये। आगे बात समझ नहीं आई, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, कई बार अपन अंदर ऐसे मकान बनाते हैं ना, ऐसे मतलब चारों तरफ से क्या करते हैं, ऐसे मकान बनवाते हैं और मतलब चारों तरफ रास्ता होना चाहिए मतलब, ठीक है, और डंडा करा लेते हैं फिर बाहर। तो ये क्या कह रहा है कि जो मतलब यहाँ से यहाँ तक, ध्यान समझना है सवाल को, इम्पोर्टेंट सवाल है, रेलवे में पूछा जाता है कई बार। इस आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है, कितनी है 90 मीटर, चौड़ाई कितनी है 60 मीटर है इसकी, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता, इस रास्ते की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, सॉरी यहाँ से, ठीक है, कितनी है 5 मीटर, ये 5 मीटर यहाँ से भी है और ये 5 मीटर ऐसे भी है, तो जब 5 इससे कम हो जाएगी तो इसकी कितनी बच जाएगी बताओ, 5 इधर से कम हो जाएगी, ये 90 मीटर है ना, 5 इधर से कम हो रही है और 5 इधर से कम हो रही है, तो कितनी होगी बताओ इसकी, 10 कम हो गया ना, तो ये कितना हो गया और ये कितना हो गया,
इधर से पाँच इधर से कम हो रही है और पाँच इधर से कम हो रही है, पाँच पाँच, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, पचास। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। तो देखना आयत का, आयताकार पार्क का मतलब अंदर का क्षेत्रफल कितना जाएगा बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना जाएगा, लंबाई कितनी है 90, चौड़ाई कितनी है 60, कितना जाएगा 5400 और मीटर स्क्वायर, ठीक है। तथा अंदर के किसकी, अंदर पार्क पी क्यू आर एस मान सकते हैं आप कि का क्षेत्रफल पार्क के अंदर, पार्क के अंदर पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो 80 लंबाई चौड़ाई कितनी है 50, ये कितनी जाएगी 4000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, रास्ते का चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल कितना जाएगा, देखो इस 5400 में से 4000 घट जाएगा ना, कितना बच जाएगा बताओ 1400 मीटर स्क्वायर। तो इसमें मतलब इस पर क्या बिछानी है, इधर क्या बिछानी है, इस रास्ते पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछानी है। तो एक वर्ग मीटर मतलब एक वर्ग मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना बताओ, कितने दे रखा है 15 रुपये, तो 1400 का क्या हो जाएगा, 1400 मीटर स्क्वायर का 15 × 1400 00 1560 का जीरो हासिल 6 × 15 = 21 210 मतलब 21000 रुपये का क्या है इस पर खर्चा आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आपको है इस सवाल में तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो आप।